हे गेमर्स, क्या आप लोग के पास भी पैसे नहीं है गेम्स को परचेज करने के लिए एंड आप लोग के पास जो पीसी है वो भी काफी लो एंड है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं यार, क्योंकि आपका भाई है ना। क्योंकि यार आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ टॉप 10 फ्री टू प्ले गेम्स फॉर लो एंड पीसीज। सारे गेम्स यार बहुत ही कमाल के हैं, आप लोग को प्ले करने में बहुत ज्यादा मजा आएगी एंड इजिली आप लोग के लो एंड डिवाइसेस पे चलने वाले हैं। तो वो कौन से 10 गेम्स हैं यार, उनके बारे में जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहां पे जो हमारा 10th नंबर पे गेम आता है वो है ब्लैक स्क्वाड। ये एक फास्ट पेस्ड टैक्टिकल शूटर गेम है जिसमें आपको मिलिट्री कॉम्बैट में अपनी स्किल्स दिखानी पड़ती हैं। इस गेम में आप लोग को इंटेंस गन फाइट्स और स्ट्रेटेजिक टीम प्ले का मजा मिलता है। जहाँ गेम के गेम प्ले की बात करें यार तो काफ़ी इंगेजिंग है, जहाँ आप लोग को अलग अलग गेम मोड्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और एनिमीज को डिफीट करने के लिए अपने टैक्टिक्स और कोऑर्डिनेशन का यूज करना पड़ता है। जहाँ गेम के विजुअल्स की बात करें यार तो काफ़ी रियलिस्टिक और डिटेल्ड है, जो आप लोग को एक ऑथेंटिक बैटल फील्ड एक्सपीरियंस देती है जब आप एनिमीज के साथ हाई स्टेक्स बैटल्स में इंगेज होते हैं। और गेम में जो है गाइस आप लोग को कई तरह के एडवांस्ड वेपन्स और इक्विपमेंट मिलते हैं जो आप लोग को अपने लोडआउट कस्टमाइज करने में और कॉम्बैट में एडवांटेज लेने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को फास्ट पेस्ड एक्शन टैक्टिकल गेम प्ले और कॉम्पिटेटिव मल्टीप्लेयर कॉम्बैट पसंद है तो ब्लैक स्क्वाड आप लोगों के लिए एक थ्रिलिंग गेमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 9th नंबर पे गेम आता है वो है ब्रॉल हल्ला। ये एक थ्रिलिंग प्लेटफॉर्मर फाइटर गेम है जिसमें आपको डाइवर्स वॉरियर्स के साथ एपिक बैटल्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इस गेम में आप लोग को फास्ट पेस्ड कॉम्बैट और क्रिएटिव मूव्स का मजा मिलेगा। जहाँ गेम के गेम प्ले की बात करें यार तो काफ़ी इंगेजिंग है, जहाँ आप लोग को डिफरेंट स्टेजेस पर अपने अपोनेंट्स को नॉकआउट करना पड़ता है और यूनिक अटैक्स और स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना होता है। जहाँ गेम के विजुअल्स की बात करें यार तो वो भी काफ़ी वाइब्रेंट और कलरफुल हैं, जो आप लोग को एक फन और एनर्जेटिक एक्सपीरियंस देती हैं जब आप फास्ट पेस्ड ब्रॉल्स में इंगेज होते हैं। और इस गेम में गाइस आप लोग को कई तरह के कैरेक्टर्स और वेपन्स मिलते हैं जो आप लोग को अपने प्ले स्टाइल के अकॉर्डिंग चूज करने और अडेप्ट करने की फ्रीडम देते हैं। और गेम में हर कैरेक्टर अपनी यूनिक एबिलिटीज और फाइटिंग स्टाइल के साथ आता है, जो गेम प्ले को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को फास्ट पेस्ड एक्शन कॉम्पिटेटिव ब्रॉलिंग और क्रिएटिव गेम प्ले पसंद है तो ब्रॉल हल्ला आप लोगों के लिए एक एक्सिलरेटिंग गेमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 8th नंबर पे गेम आता है वो है लाइन ऑफ साइट। ये एक डायनेमिक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जिसमें आपको इंटेंस बैटल्स और टैक्टिकल गेम प्ले का मजा मिलेगा। इस गेम में आप लोग को हाई स्पीड कॉम्बैट और स्ट्रेटेजिक टीम प्ले का अनुभव होगा। जहाँ गेम के गेम प्ले की बात करें यार तो काफ़ी इंगेजिंग है, जहाँ आप लोग को अलग अलग मैप्स और गेम मोड्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और अपने शूटिंग स्किल्स और कोऑर्डिनेशन को प्रूव करना होता है। जहाँ गेम के विजुअल्स की बात करें यार तो काफ़ी डिटेल्ड और इमर्सिव है, जो आप लोग को एक ऑथेंटिक बैटल फील्ड एक्सपीरियंस देती हैं जब आप इंटेंस फायर फाइट्स और फास्ट पेस्ड एक्शन सीक्वेंसेस में इंगेज होते हैं। और इस गेम में गाइस आप लोग को कई तरह के एडवांस्ड वेपन्स और कैरेक्टर कस्टमाइजेशंस मिलते हैं, जो आपको अपने लोडआउट को पर्सनलाइज करने और यूनिक एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करने का मौका देते हैं। और आप अपने टीम के साथ एडवांस स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं और हर बैटल को डोमिनेट करने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को फास्ट पेस्ड एक्शन टैक्टिकल गेम प्ले और इंटेंस मल्टीप्लेयर कॉम्बैट पसंद है तो लाइन ऑफ साइट आप लोग के लिए एक थ्रिलिंग गेमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 7th नंबर पे गेम आता है वो है वन आर्म्ड रॉबर। ये क्योटिक फर्स्ट पर्सन हाइस्ट गेम है जो दिसंबर 2023 में रिलीज हुआ था। जहाँ गेम में प्लेयर्स रोल प्ले करते हैं एक रॉबर का जिसके पास सिर्फ एक ही हाथ है, जिससे आप लोग को काफी सारी चोरियां कंप्लीट करनी होंगी बैंक्स में, शॉप्स में और वेरियस एस्टेब्लिशमेंट्स में। इस गेम में गाइस आप लोग को काफी सारे गन्स मिलेंगे जिनको आप लोग अपने प्ले स्टाइल के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं एंड ये गन्स आप लोग को रॉबरी के वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। एंड हाँ, जैसे ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस रॉबर बनेंगे तो गेम में आप लोग को न्यू टूल्स अनलॉक होते हुए मिलेंगे, जिनकी हेल्प से आप लोग जो है और इजीली चोरियां कंप्लीट कर पाएंगे। एंड हर एक टूल का अपना स्पेशल पर्पस होता है, जिससे आप लोग को नए तरीके से हाइस कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग को भी चोरियां करना पसंद है तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। हाँ, रियल लाइफ में आप लोग बिल्कुल भी चोरी मत करना, मैं गेम की बात कर रहा हूँ। इस गेम को प्ले करके आप लोग को बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है। तो अगर आप लोग भी एक चोर बनना चाहते हो गेम में तो इस गेम को आप लोग को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। काफ़ी अच्छा गेम है, फ्री में है, तो एक बार ट्राई जरूर मारना। बाकी यहाँ पे जो हमारा 6th नंबर पे गेम आता है वो है स्लैप शॉट रिबाउंड। ये एक फिजिक्स बेस्ड मल्टीप्लेयर गेम है जो कि 2024 में रिलीज हुआ है। जहाँ गेम में आप लोग आर्केड स्टाइल में हॉकी मैचेस प्ले कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को कोई भी शूट बटन, कोई भी पग ग्लू एंड कोई भी आरएनजी देखने को नहीं मिलता है। एंड गेम में आप लोग जो है यार सोलो डुओ और ट्रियो प्ले कर सकते हैं। इवन कस्टम गेम्स में आप लोग जो है अप टू 12 प्लेयर्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं। और गेम में जो है गाइस आप लोग को कस्टमाइजेशन के भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जहां पे आप लोग को कॉस्मेटिक आइटम जैसे हैट्स, हेयर, ग्लव्स और ग्लासेस देखने को मिलते हैं।
जिनसे आप लोग अपने प्लेयर्स को यूनिक लुक दे सकते हैं। गेम के ग्राफिक्स की बात करें यार तो वो तो कार्टूनिश है, बट गेम प्ले की बात करें यार तो वो बिल्कुल यहाँ पे फन फील्ड है, आप लोग को प्ले करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ नंबर पे गेम आता है वो है टीम फाइट टैक्टिक्स। ये एक स्ट्रेटेजिक ऑटो बैटलर गेम है जिसमें आप लोग को चैंपियंस को रिक्रूट करके और उनकी टीम बना के अपोनेंट्स के अगेंस्ट बैटल करना पड़ता है। इस गेम में आप लोग को डीप स्ट्रेटजी और टैक्टिकल प्लानिंग का मज़ा मिलेगा। जहां गेम के गेम प्ले की बात करें यार तो काफ़ी इंगेजिंग है, जहां आप लोग को डाइवर्स चैंपियंस और आइटम्स का इस्तेमाल करके अपनी टीम को ऑप्टिमाइज करना होता है और राउंड बाय राउंड अपने अपोनेंट को डिफीट करना पड़ता है। जहां गेम के विजुअल्स की बात करें यार तो काफ़ी वाइब्रेंट और डिटेल्ड हैं, जो आपको एक डायनेमिक और इमर्सिव बैटलफील्ड एक्सपीरियंस देती हैं जब आप अपने केयरफुली क्राफ्टेड टीम्स को अपोनेंट्स के अगेंस्ट टेस्ट करते हैं। और इस गेम में जो है गाइस आप लोग को कई तरह के चैंपियंस और कॉम्पोजिशंस मिलते हैं जो आपके हर मैच को यूनिक और एक्साइटिंग बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को डीप स्ट्रेटजी, कॉम्पिटिटिव गेम प्ले और डायनेमिक बैटल्स पसंद हैं तो टीम फाइट टैक्टिक्स आप लोग के लिए थ्रिलिंग और इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन गेमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा फोर्थ नंबर पे गेम आता है वो है क्रैब गेम। ये क्योटिक मल्टीप्लेयर पार्टी गेम है जिसमें आप लोग को अलग अलग मिनी गेम्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इस गेम में आप लोग को फास्ट पेस्ड एक्शन और हिलेरियस मोमेंट्स का मज़ा मिलेगा। जहां गेम के गेम प्ले की बात करें यार तो काफ़ी इंगेजिंग है, जहां आप लोग को अनप्रिडिक्टेबल ऑब्स्टिकल्स और इंटेंस कॉम्पिटिशन के थ्रू सर्वाइव करना पड़ता है और गेम के हर राउंड में आप लोग को नए चैलेंजेस और थ्रिलिंग इनकाउंटर्स का सामना करना होता है। गेम के विजुअल्स की बात करें यार तो सिंपल और प्लेफुल है, जो आप लोग को एक फन और लाइट हार्टेड एक्सपीरियंस देती हैं जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हाई एनर्जी बैटल्स में इंगेज होते हैं। और गेम में आप लोग को कई तरह के यूनिक मैप्स और क्रेजी गेम मोड्स मिलते हैं जो हर मैच को फ्रेश और एक्साइटिंग बनाते हैं। और गेम में आप लोग को क्विक रिफ्लेक्स और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को क्योटिक फन अनप्रिडिक्टेबल गेम प्ले और कॉम्पिटिटिव पार्टी गेम्स पसंद हैं तो क्रैब गेम आप लोग के लिए एक एग्जरेटिंग गेमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा थर्ड नंबर पे गेम आता है वो है ट्रोव। ये एक वाइब्रेंट वॉक्सल बेस्ड एमओ एडवेंचर गेम है जिसमें आपको एक कलरफुल और एवर एक्सपेंडिंग वर्ल्ड में एक्सप्लोरेशन और कॉम्बैट का मजा मिलता है। इस गेम में आप लोग को एंडलेस एडवेंचर्स और क्रिएटिव फ्रीडम का अनुभव होगा। जहाँ गेम के गेम प्ले की बात करें यार तो काफ़ी इंगेजिंग है, जहाँ आप लोग को डाइवर्स रन्स एक्सप्लोर करना, पावरफुल एनिमीज को डिफीट करना और एपिक लूट कलेक्ट करना पड़ता है। और गेम के हर एक कॉर्नर में नए एडवेंचर्स और सरप्राइजेस आप लोग का इंतजार करते हैं। जहाँ गेम के विजुअल्स की बात करें यार तो वो भी काफ़ी कलरफुल और ब्लॉकी है, जो आप लोग को एक चार्मिंग और विस्मिकल यूनिवर्स एक्सप्लोर करने का मौका देती हैं जब आप अपने फ्रेंड के साथ ग्रैंड एडवेंचर्स पर निकलते हैं। और इस गेम में जो है गाइस आप लोग को कई तरह के कस्टमाइजेबल क्लासेस और माउंट्स मिलते हैं जो आप लोग को अपने प्ले स्टाइल के अकॉर्डिंग चूज करने और अडेप्ट करने की फ्रीडम देते हैं। और आप अपने कैरेक्टर और होम वर्ल्ड को बिल्ड और कस्टमाइज कर सकते हैं, जो गेम को और ज़्यादा यूनिक बनाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को वाइब्रेंट वर्ल्ड्स, एंडलेस एक्सप्लोरेशन और क्रिएटिव बिल्डिंग पसंद है तो ट्रोव आप लोग के लिए डिलाइटफुल गेमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा सेकंड नंबर पे गेम आता है वो है सोल वर्कर। ये एक एक्शन पैक्ड एनिमे स्टाइल MMORPG गेम है जिसमें आप लोग को अपने हीरोइक पावर्स का इस्तेमाल करके डार्क फोर्सेस के अगेंस्ट बैटल करना पड़ता है। इस गेम में आप लोगों को फास्ट पेस्ड कॉम्बैट और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग का मजा मिलेगा। जहां गेम के गेम प्ले की बात करें यार तो काफ़ी इंगेजिंग है, जहां आप लोग को ब्यूटीफुली डिजाइन एनवायरनमेंट्स एक्सप्लोर करने पड़ते हैं और हॉर्ड्स ऑफ एनिमीज के साथ थ्रिलिंग बैटल्स लड़नी पड़ती हैं। जहां गेम के विजुअल्स की बात करें यार तो काफ़ी वाइब्रेंट और स्टाइलिश है, जो आप लोग को एक डायनेमिक और विजुअली स्टनिंग वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का मौका देती हैं जब आप अपने कैरेक्टर की यूनिक एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं। और इस गेम में जो है गाइस आप लोग को कई तरह के कस्टमाइजेबल कैरेक्टर्स और पावरफुल वेपन्स मिलते हैं, जो आप लोग को अपने फाइटिंग स्टाइल और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चूज करने का फ्रीडम देते हैं। और गेम का हर एक कैरेक्टर अपनी डिस्टिंक्ट स्किल्स और कॉम्बैट टेक्निक्स के साथ आता है, जो गेम प्ले को और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को फास्ट पेस्ड एक्शन, एनिमे एस्थेटिक्स और एपिक एडवेंचर्स पसंद है तो सोल वर्कर आप लोग के लिए एक थ्रिलिंग गेमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर पे गेम आता है वो है टीम फोर्ट्रेस 2। ये एक आइकॉनिक टीम बेस्ड मल्टीप्लेयर शूटर गेम है जिसमें आप लोग को यूनिक कैरेक्टर्स के साथ स्ट्रेटेजिक कॉम्बैट और फास्ट पेस्ड एक्शन का मजा मिलता है। इस गेम में आप लोग को डाइवर्स क्लासेस और थ्रिलिंग बैटल्स का अनुभव होगा। जहां गेम के गेम प्ले की बात करें यार तो काफ़ी इंगेजिंग है, जहां आप लोग को अलग अलग रोल्स और एबिलिटीज़ के साथ अपने टीम के लिए विक्ट्री सिक्योर करनी पड़ती है। और गेम में आप लोग को अलग अलग क्लास के जो यहाँ पे सोल्जर्स देखने को मिलते हैं, जहां हर एक क्लास अपने यूनिक वेपन्स और स्किल्स के साथ आती है, जो आपको अपने गेम प्ले को टेलर करने का मौका देती है। इस गेम के विजुअल्स की बात करें यार तो वाइब्रेंट और कार्टूनिश हैं, जो आप लोग को एक फन और डिस्टिंक्टिव एक्सपीरियंस देती हैं जब आप डायनेमिक मैप्स और मोड्स में इंटेंस फायर फाइट्स लड़ते हैं।
और इस गेम में जो है गाइस आप लोग को कई तरह के क्लासेस और कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलते हैं, जो आप लोग को अपने कैरेक्टर को और प्ले स्टाइल के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करने की फ्रीडम देते हैं। और गेम में आप लोग को टीमवर्क और स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना पड़ता है हर बैटल में अपनी टीम को लीड करने के लिए। दोस्तों अगर आप लोग को फास्ट पेस्ड एक्शन, यूनिक कैरेक्टर क्लासेस और टीम बेस्ड गेम प्ले पसंद है तो टीम फोर्ट्रेस 2 आप लोग के लिए एक एक्सेलरेटिंग गेमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। सो गाइस ये थे हमारे आज के वीडियो के टॉप 10 फ्री गेम्स फॉर लो एंड पीसी। तो ये गेम्स यार आप लोगों को कैसे लगे एंड आप लोगों ने कौन कौन से फ्री गेम्स पहले खेल रखे हैं अपने लो एंड पीसी पे वो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं यार आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।